हेलो फ्रेंड्स आई एम सिमरनजीत सिंह और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो है क्लास uh, ट्वेल्थ के आईपी का जो एग्जाम है आपका उसमें जो माई एस्कूल का पार्ट है उसको कवर करने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं सीरीज ऑफ वीडियोस फॉर रिवीजन पर्पस ठीक है जी सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड इन वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे माई स्कूल का सिलेबस राइट विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं कवर करूंगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो so, इस वीडियो में हम पहले कंफर्म करते हैं कि माय एस्कुल के सिलेबस में क्या क्या कंसेप्ट आपके कवर होंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस फंक्शंस बेसिकली कमांड्स होती हैं माय एस्क में जो आपका काम इजी करने के लिए आपको दी जाती हैं उन कमांड्स को लगा के आप इजीली अपना डेटा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं सो माय एस्क में आपके जो फंक्शन है वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं यू हैव नोमरिक फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन डेट फंक्शन ट फंक्शन तो पहले तो जो हमारी फोर वीडियो बनेगी वो एक एक वीडियो इन फंक्शन के ऊपर हम क्रिएट करेंगे राइट right? देन एक टॉपिक जो मायास्कल का आएगा आपके एग्जाम में वो है ग्रुप बाई है उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा राइट right? सो so, आज हम जब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नुमेरिक एंड मैथ फंक्शन सो मैथ और नुमेरिक फंक्शन जो माएस्कल में हमें दिए गए हैं वो है की मैथमेटिकल कंप्यूटेशन अगर आप इजिली करना चाहते हैं कंप्यूटराइज और आप, आपके पास कोई डेटा है टेबल्स के अंदर जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इलेवेंथ में भी आपने स्टडी किया था कि जो मायास्कुल है वो डेटा टेबल्स फॉर्म में स्टोर करता है तो उन टेबल्स में जो डेटा है अगर आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मायास्कुल ने आपको काफी मैथ फंक्शन दिए हैं इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हम फंक्शन यूज करेंगे पावर राउंड मॉड स्केयर रूट ये फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी मायास्कुल वर्क बेंच स्टार्ट कर रहा हूं और एग्जाम्पल्स को करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया है हमने एक टेबल बनाया है एम्प्लॉय नाम से सो so अगर हम इस टेबल को रन करके देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आपको ऑलरेडी कमांड आती होगी क्योंकि इलेवंथ में आपने देखा था कि जब टेबल में से डेटा रिट्रीव करना हो तो हम सेलेक्ट कमांड लगाते हैं एंड देन स्टार मीन्स ऑल कॉलम जितने भी टेबल में कॉलम है एंड फ्रॉम टेबल नेम लिखना है तो सारे टेबल आ जाएगा तो जितने भी एग्जाम्पल आज हम लोग लेंगे वो एम्प्लॉय टेबल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है एग्जाम्पल फॉर्म में ले रहे हैं तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का तो देखिएगा जेंडर कॉलम है देन सिटी कॉलम है और उसकी सैलरी है ठीक है राइट right? सो so, जो भी एग्जांपल्स हम आगे अभी भी और आगे आने वाली सीरीज में भी लेने वाले हैं वो एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी राइट right? तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन को ट्राई करते हैं तो पहला मैथमेटिकल फंक्शन है पावर सो पावर फंक्शन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप लोगों को पावर कंप्यूट करनी है किसी गिवन वैल्यू की ठीक है जी तो आप पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल कमांड चलाता हूं विदाउट टेबल सेलेक्ट पावर पैरथिसिस So let's just, मुझे देखना है फाइव की पावर थ्री क्या होती है so I will write as a parameter 5, 3. और अगर हम इसे रन करेंगे command को तो आप देखेंगे answer आ गया यानी की पावर 3, 125. So बहुत ही simple कर दिया उन्होंने फंक्शन बह के आपको आपको सिर्फ पावर फंक्शन कॉल करना है और आपको उसको दो वैल्यूज देनी है पहले राइट right, जो वैल्यू है और उसकी कितनी पावर आप चाहते हैं सो so लेट्स अगर मैं कहूँ थ्री की पावर मुझे चाहिए फाइव राइट तो आई विल रन दिस ठीक है सो so, की पावर होगी फाइव टाइम्स राइट सो ये काम है किसका पावर फंक्शन का अब अगर इसी फंक्शन को आप किसी टेबल पे लगा के देखना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे सो लेट्स ऑफ हम पहले अपना टेबल रन करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक है सो लेट्स लेट्सोस मेरे पास हालांकि लॉजिकल नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ जैसे लेट्स मेरे पास employee ID है 1, 2, 3, 4, 5, मैं चाहता हूँ इन सबकी पावर टू डिस्प्ले हो जाए तो मैं यहां पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट पावर कॉलम का नेम क्या है इम्प्लॉय आई डी कॉमर लेट्स मैं चाहता हूँ इन सबकी पावर टू हो जाए देन फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारे पास इम्प्लॉय अब आप देखिएगा कि जब मैं इसे रन करूंगा राइट right, so, वन की पावर टू वन टू की पावर टू फोर देन अगेन थ्री की पावर टू नाइन उसी तरह से फोर की पावर टू तो इससे तरह सारे इंप्लॉय की पावर दे राइट सो अगर आपने टेबल पे इंप्लीमेंट करना है तो आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपको अपनी वैल्यू की जगह अपने कॉलम का नाम दे देना है उस कॉलम में जितनी वैल्यूज होंगी उनकी पावर आ जाएगी राइट right? सो so, ये आपका एक एग्जाम्पल था जो आपने देखा सेकेंड इज सेकेंड फंक्शन जो हम करेंगे अब राउंड फंक्शन तो राउंड मैथमेटिक्स में हमें पता है कि अगर हमें कोई नंबर डिस्प्ले करना है राउंड करके ठीक <coughs> है जी तो लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करना राउंड करके तो हम राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है सेलेक्ट राउंड और मेरे पास एक वैल्यू है फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू लेट फोर्स और मैं चाहता हूं ये टू की पावर तक राउंड हो जाए यानी कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही वैल्यू चाहिए ठीक है अब आप इसकी आउटपुट देखें अगर मैं इसे रन करूं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन नाइन क्यों क्योंकि हमें टू की पावर तक राउंड करना है टू डेसिमल तक और टू डेसिमल हमारे पास क्या है नाइन एट और एट से अगला डेसिमल अगर हम लोग देखें ठीक है जी राइट तो यहाँ पे देखें तो ये हमारा फाइव से बड़ा है सो so, अगर ये फाइव से बड़ा है तो ये फाइव से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो गया right? so, अगर मैं यहां पे जाके लिखता नाइन थ्री <coughs> तो देखो नाइन क्या आ गया फोर क्योंकि सेकेंड डेसिमल के बाद जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास वो क्या है फाइव से बड़ी है अगर ये फाइव से छोटी होती है नाइन थर्टी फोर तो देखिये नाइनटी थ्री ही रहा ये वैल्यू तो ये वैल्यू राउंड नहीं होगी क्यों क्योंकि हम राउंड कर सकते हैं so हम पहले वैल्यू देंगे उसके बाद कॉमा डाल के टू या थ्री जहां तक भी हमें राउंड करना है तो कंप्यूटर थर्ड पोजीशन चेक करेगा अगर थर्ड पोजीशन फाइव या फाइव से बड़ी है तो ये सेकंड जो डेसिमल जहां तक हम चाहते हैं

फाइव से तो ये आंसर आता है नाइन थ्री फोर ना कि नाइन थ्री फाइव राइट सो ये हमारा जो है राउंड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ठीक है चलिए अब हम चलते और सेम आप कर सकते हैं अगर आपके पास लैक्चर्स कोई भी टेबल है जिसमें कोई कॉलम है जिसमें वैल्यू है आप उसे राउंड करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देंगे राइट right? नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर विच इज मोड फंक्शन सो मोड फंक्शन क्या करता है मोड फंक्शन रिमाइंडर देता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मुझे सेलेक्ट मोड एंड मैं कहता हूं कि मुझे लेट्स 11 को 2 के साथ डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर मिल जाए ठीक है राइट right. सो so मैं लिखूंगा सेलेक्ट मोड 11 डिवाइडेड बाय 2 तो आप ध्यान से देखिएगा रिमाइंडर 1 आ गया टू फाइव 10 और रिमाइंडर 1 सो so जो मोड फंक्शन है वो हमें रिमाइंडर देता है याद रखिएगा ठीक है आप किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारे पास इंप्लॉय टेबल है सो <coughs> लेट्स so, ठीक है so, सो अब अगर लेट्स मैं चाहता हूं कि ये ट्वेंटी थाउजेंड के साथ डिवाइड करके सारी सैलरी सॉरी फिफ्टीन थाउजेंड के साथ डिवाइड करके उसका रिमाइंडर आ जाए तो so, हम यहां पे लिख रहे हैं सेलेक्ट मोड सैलरी Divided by फिफ्टीन from employee. अब हम अगर इसे रन करें तो ये देखिए सो so, ये रिमाइंडर आप values के, ठीक है सो so, ये आपका मोड फंक्शन है देन वी हैव square रूट फंक्शन ठीक है नेक्स्ट फंक्शन है स्केयर रूट स्क्य रूट है कि किसी भी वैल्यू का आपको स्क्र रूट चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल आई विल सेलेक्ट स्कोर रूट और मुझे स्केयर रूट देखना है लेट्स सपोज हंड्रेड का ठीक है तो ये हमें हंड्रेड का स्केयर रूट कैलकुलेट करके दे देगा ये देखिए टेन आ गया लेट्स मुझे एट्टी का स्क्वेयर रूट देखना है। तो ये देखिए स्केयर रूट आगे स्केयर रूट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी स्केयर रूट आपको कैलकुलेट करना है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है देन वी हैव एन फंक्शन फंक्शन क्या करता है एप्सोल्यूट फंक्शन आपको पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है अगर आपके पास नेगेटिव है तो लेट्स्यूट माइनस ट्वेंटी तो अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो आंसर ट्वेंटी आएगा पॉजिटिव में अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा बट अगर कोई भी वैल्यू माइनस में है नेगेटिव में है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी सो एन एब्सोल्यूट फंक्शन लास्ट फंक्शन जो सीरीज में है हमारे पास वो है ट्रंकेट ट्रंकेट क्या करता है ट्रंकेट वही करता है जो कि राउंड ने किया था बट इसमें वो राउंडिंग नहीं करेगा सो so फॉर अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू है आपके पास और उसके बाद पॉइंट्स लिमिटेड करने ऐसे ये वैल्यू थी हमारे पास ठीक है तो इसी वैल्यू को अगर मैं चाहता हूं कि ये टू डेसिमल तक आए लेकिन इसमें राउंडिंग ना हो सिर्फ जहां तक टू डेसिमल है वहां तक आए सो लेट्स सो अब मैं यहां पे जाके कंकेट रन करता हूं ठीक सो so, आप देखिए टू डेसिमल तक वो रिटर्न कर देगा नाइन थ्री वो नहीं देखेगा कि थर्ड वैल्यू फाइव है या फाइव से बड़ी है आंसर यहां तक ही आएगा सो so, अगर यहां पे देखो मैं फोर है फाइव से छोटा है अगर मैं इसको यहां पे सेवन भी कर दू तब भी वो 93 .93 ही रिटर्न करेगा वो देखेगा ही नहीं है कि आगे बड़ी वैल्यू पांच से बड़ी है छोटी इसका मतलब हमने जब हमारा मकसद राउंड करना नहीं है हमारा मकसद है सिर्फ उसे रिस्ट्रिक्ट करना कि हमें इतनी ही वैल्यू चाहिए जैसे हमने यहाँ पे बोला पॉइंट के बाद सिर्फ मुझे वन वैल्यू चाहिए वन डेसिमल तक तो हम यहाँ पे ट्रंकेट कर रहे हैं तो इसमें कोई राउंड नहीं होगा जो भी पॉइंट के बाद वन वैल्यू है वहां तक वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा सो तो ये कुछ कॉमन फंक्शन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं माया स्कूल में राइट right? सो so, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अगली फंक्शंस की तरफ टेक्स्ट फंक्शंस की तरफ थैंक यू वेरी मच